पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन जिला मुख्यालय पर नामांकन केंद्र पर पहुंचकर मेयर पद के लिए 7 लोगों ने पर्चे खरीदे। वहीं पहले दिन पार्षद के लिए भी कई लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 17 अप्रैल तक चलेगी। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र खरीद कर जमा किए जा सकते हैं। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। 4 मई को मतदान होगा। मुरादाबाद जनपद में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान किया जाएगा। मतदान को निष्पक्षता और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे रहे। आज से 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज जो है मेयर पद हेतु, मुरादाबाद के मेयर पद हेतु केवल 7 अभ्यर्थियों ने यहाँ से पर्चा खरीदा है। अभी किसी ने दाखिल नहीं किया है और 3 से ज़्यादा बच चुके हैं और टोटल बिक्री जो है 7 हुई है। सर, जो प्रक्रिया की गई है सभासद के लिए और मेयर के लिए, कहाँ कहाँ ये प्रक्रिया है, क्या है? देखिए, मेयर पद के लिए अपर जिला प्रशासन के न्यायालय में कलेक्ट्रेट में प्रक्रिया है और पार्षदों की जो पूरी नामांकन प्रक्रिया है वो मुशायरा ग्राउंड कलेक्ट्रेट में चल रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।